जय श्री राम। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 4.5.4 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12th बेस्ड ऑन द टॉपिक डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड आज हम एक्सरसाइज 5.4 करेंगे। आप में से जो अभी इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह के और यूजफुल आर्टिकल्स के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। सो आवर फर्स्ट सम y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x अपॉन साइन x। फ्रैक्शन में कोसेंट लॉ अप्लाई होगा, तो ऑन अप्लाइंग कोसेंट लॉ y इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज साइन x होल स्क्वायर न्यू डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। जो आपका कोसेंट रूल होता है, क्योंकि कोसेंट रूल कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर क्या है साइन एक्स, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर ई की पावर एक्स माइनस न्यूमरेटर ई की पावर एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर साइन एक्स। सो इट कम्स आउट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x माइनस e की पावर x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x अपॉन साइन x होल स्क्वायर ऑन टेकिंग e की पावर x कॉमन। सो e की पावर x साइन x माइनस cos x अपॉन साइन एक्स होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सम सेज ई की पावर साइन इनवर्स एक्स y is equal to e raised to power sine inverse x. So differentiating both sides, dy upon dx is equal to differentiation of e ki power sine inverse x. Differentiation of e raised to power sine inverse x, so which is equal to dy upon dx e ki power x ka differentiation e ki power x, so e ki power sine inverse x into differentiation of x that is sine inverse x, so it comes out to be e की पावर साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू e रेज टू पावर साइन इनवर्स x अपॉन
1 minus x square. Third one is e raised to power x square. Third sum, y is equal to e raised to power x square. On differentiating both sides, dy upon dx is equal to differentiation of e raised to power x square. E की power x का जो differentiation होता है वो e की power x होता है इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी x है, तो x यहाँ पे x square है, x square which is equal to e raised to power x square into 2x. So dy upon dx की वैल्यू आपकी आ गई 2x into e raised to power x square. Now next sum, fourth sum is sine of tan inverse e की power minus x. Y is equal to sine of tan inverse e की power minus x e raised to power minus x. Now differentiating both side, so dy upon dx is equal to differentiation of sine of tan inverse e raised to power minus x, which implies dy upon dx is equal to sin x ka differentiation cos x. So cos of tan inverse e की पावर माइनस एक्स साइन थीटा का कॉस थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स. सो डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स. ऑन फर्दर सॉल्विंग सो डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy upon dx is equal to cos of tan inverse e raised to power minus x. Tan inverse x ka differentiation 1 upon 1 plus x square into differentiation of e raised to power minus x. So it comes out dy upon dx is equal to cos of tan inverse e raised to power minus x upon वन प्लस e रेज टू पावर माइनस टू एक्स इंटू e रेज टू पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स. सो इट कम्स आउट माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन होगा. सो माइनस कॉस ऑफ tan inverse e raised to power minus x upon 1 plus e raised to power minus 2x into e raised to power minus x. तो इस तरीके से हम ये सम कर सकते हैं. दिस इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट वन,
fifth sum is log of cos e की पावर x y is equal to log of cos e की पावर x, तो which implies differentiating both sides. वैसे हमें पहले लिखना चाहिए यहाँ पे properly, अगर CBSE के उसके हिसाब से चलें तो differentiating both sides, differentiating both sides with respect to x. So dy by dx is equal to differentiation of log of cos e की पावर x, विच इंप्लाइज dy अपॉन dx, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, सो 1 अपॉन cos ऑफ e की पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो log x के x क्या है यहां पे cos e की पावर x, सो डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ e की पावर x, आप साइड में बता देंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो होता है वो 1 बाय x होता है. ऑन फर्दर सॉल्विंग विच इंप्लाइज dy अपॉन dx, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा माइनस साइन ऑफ e की पावर x अपॉन cos e की पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा दैट इज e की पावर x. सो माइनस साइन e की पावर x इंटू e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, हम इसे माइनस साइन बटे कॉस 10 कह सकते थे डायरेक्टली, यहां पे माइनस साइन बटे कॉस तो डायरेक्टली माइनस 10 हो जाता, माइनस 10 e की पावर x इंटू e की पावर x विच इज इक्वल टू माइनस e की पावर x टेन ऑफ e की पावर x. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट सम, नाउ सिक्स्थ वन. सिक्स्थ सम कहता है e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 सिक्स्थ y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस e की पावर x की पावर 5. सो वी हैव टू सॉल्व दिस सम, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स. Differentiating both sides with respect to x. So dy by dx is equal to differentiation of e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 e की पावर x रेज टू पावर 5. ऑन फर्दर सॉल्विंग
dy by dx is equal to differentiation of e की पावर x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर x क्यूब प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर x की पावर 4 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर x की पावर 5 which implies dy by dx e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x स्क्वायर का e रेज टू पावर x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस e रेज टू पावर x का e की पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन इसके बाद तो वो आपका होगा 3x स्क्वायर। डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि पिछली डिफरेंशिएशंस में हमने सम अलग अलग करके किए हैं, तो e की पावर x क्यूब इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ जब आप x क्यूब करेंगे पावर फॉर्मूले से तो 3x स्क्वायर आएगा प्लस e की पावर x की पावर 4 का e की पावर x की पावर 4 इनटू 4x स्क्वायर प्लस e की पावर x की पावर 5 का e की पावर x रेज टू पावर 5 इनटू सॉरी ये 4x क्यूब होगा n x रेज टू पावर n माइनस 1 ये 5x रेज टू पावर 4। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सम सेवन सम सेवन सम y इज इक्वल टू रूट ऑफ e की पावर रूट x। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy upon dx is equal to differentiation of root of e की पावर root x dy by dx e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर सॉरी root x है तो root x का डिफरेंशिएशन 1 by 2 root x होता है तो 1 upon 2 into root x that is root of e की पावर root x into differentiation of x। differentiation of x क्या e की पावर root x क्योंकि differentiation of root x जो होता है डायरेक्ट हम इसे लिख सकते हैं 1 by 2 root x। पावर फार्मूला लगा के x की पावर 1 by 2 लिख के पावर फार्मूला आप अप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आता है। हमने डायरेक्ट रिजल्ट यहां अप्लाई कर दिया भाई रूट एक्स जो है तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स मतलब रूट e की पावर रूट एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। ऑन फर्दर सॉल्विंग सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर रूट एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स अपॉन टू रूट e की पावर रूट एक्स। ऑन फर्दर सॉल्विंग dy by dx किसी नंबर को यदि उसके रूट से डिवाइड किया जाए तो रूट के अंदर वही नंबर आ जाता है। इट मींस हम यह कह सकते हैं रूट ऑफ e की पावर रूट एक्स। भाई एक्स को यदि हम रूट एक्स से डिवाइड करें तो क्या आएगा रूट एक्स आएगा। तो नंबर को यदि उसके रूट से डिवाइड करें तो रूट में वही नंबर आएगा इनटू
रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स, यहाँ पे अपॉन में आपका 2 रह गया था, इसको ऑन फर्दर सॉल्व करोगे तो रूट ऑफ e रेज टू पावर रूट एक्स अपॉन 2 टू जा 4 रूट एक्स. नेक्स्ट टर्म इज योर नाइन्थ सम, कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स, डू योर सेल्फ बाय कोसेंट रूल. नाउ लास्ट सम टेंथ सम, टेंथ सम कॉस ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, लॉग एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स. नाउ डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x. dy by dx is equal to differentiation of cos of log x प्लस e की पावर x. तो cos थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन ऑफ log x माइनस साइन ऑफ log x प्लस e रेज टू पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x plus e raised to power x, which is equal to minus sign log x plus e raised to power x, और इसका जो differentiation होगा log x का 1 upon x plus e raised to power का x का e raised to power x. On further solving dy by dx is equal to, so dy by dx की वैल्यू आपकी हो गई माइनस साइन ऑफ log x प्लस e रेज टू पावर x. इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 1 प्लस x इंटू e की पावर x अपॉन x, क्योंकि बता देना कि भाई log x का जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x होता है. थैंक यू, धन्यवाद. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. जय हिंद, जय भारत.